हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड यू हैव। मैं हूं शुभम गुप्ता और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये पहला एपिसोड आपके सामने लाने में, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग हुए हैं या जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन किया है, उनका जीवन को जीने का जो नज़रिया था, उनकी जो नज़र थी अपनी लाइफ को देखने की और उनके लाइफ की जो कोर वैल्यू थी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि उससे आपका भी कुछ बेनिफिट हो। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग अभी बहुत यंग हैं और कई लोगों को अगर एक यंग एज में ही सही डायरेक्शन मिल जाए या जिंदगी को जीने का सही आउटलुक मिल जाए तो वो अपने जीवन में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। वरना कई लोग डायरेक्शन लेस होके घूमते हैं और जब तक उनको अपना असली पैशन या लाइफ की डायरेक्शन मिलती है तब तक वो 30-35 साल के हो चुके होते हैं। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट मच, आपको अभी जीना है, प्रसन्न रहना है, यही मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ। इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस मेगा आइकॉन के बारे में या जिस मेगा आइकन के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, वो इंडिया की काफी फेमस पर्सनालिटी, भारत की पहली बेटी जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा, जो अंतरिक्ष में गई और एक नहीं एक से ज्यादा बार गई, कल्पना चावला जी के बारे में। यहाँ पे हम इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को, चलिए उनके जीवन में संघर्ष था, अधिक था हम सबसे, पर हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे वहां पे जा पाई, उनका लाइफ को देखने का नजरिया कैसा था। इसके लिए मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था जो उन्होंने कॉल पे दिया था बहुत पहले एक बहुत रेप्यूटेड इंडियन मीडिया हाउस के डायरेक्टर को। उस इंटरव्यू में बेसिकली जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन कही और मैं चाहूंगा आप वो लाइन सुने भी, और सुन तो आप शायद नहीं पाएंगे क्योंकि वो रिटन इंटरव्यू है, पर आप वो लाइन पढ़े भी, ठीक है। वो जो पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा और वो पूरा न्यूज़ आर्टिकल अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। फिलहाल आपको उस न्यूज़ आर्टिकल में खोल के आप वो लाइन पढ़ सकते हैं जब कल्पना चावला जी से पूछा गया कि यू आर द फर्स्ट इंडियन वुमन, हाउ डज इट फील टू बी द फर्स्ट, तो वो हमेशा ये कहती है कि मैंने कभी इस चीज़ को इस तरीके से नहीं सोचा कि मैं पहली हूँ या फिर पहली महिला, पहली भारतीय महिला। इट डजेंट मैटर्स इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, व्हाट डज इट मैटर्स वे यू स्टैंड, वे यू कम फ्रॉम, वेदर यू आर अ बॉय और गर्ल। ये जो कुछ स्टेटमेंट्स है ये अपने आप में उनकी लाइफ के बारे में आपको बहुत चीज़ें बताती है कि शी वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट दैट। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थी, उनको काम करना इतना अच्छा लगता था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती। She enjoyed that. उनको काफी ज्यादा मजा आता था और वो ये कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक लड़का हैं, आप एक लड़की हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप उस काम को जेन्युइनली करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, यू विल फाइंड अ वे। नदी का जब बहाव होता है ना साहब, तो भले ही बीच में पत्थर या चट्टान हो, नदी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। वो बहाव महत्वपूर्ण है। वो बहाव कैसा है, पैशन उसी को कहते हैं। पैशन यानी कि यू आर पैशनेट अबाउट इट, यानी कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो इच्छा है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस कैसी। अगर मैं एक एक्टर बनने के लिए पैशनेट हूं तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे सामने 25 लोग हैं या 250 लोग हैं। मेरे अंदर एस्पिरेशन हो सकती है कि मैं बड़ा कुछ करना चाहता हूं एक्टिंग फील्ड में, किंतु मैं कभी भी ये सोच करके किसी स्टेज को नहीं छोड़ूंगा कि यहां तो 25 लोग हैं, मैं तो भाई हजारों के सामने परफॉर्म करने वाला हूं, 20-25 लोगों के लिए मैं क्या परफॉर्म करूं। अरे हाँ है ना, वही चीजें यहाँ पे लाइफ में भी काम आती है। कल्पना चावला जी की लाइफ को हम बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए क्योंकि उन्होंने वो बहुत ज्यादा पब्लिक फिगर नहीं थी, उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी डिटेल्स नहीं शेयर की। लेकिन उनके हस्बैंड ने, है ना, उनके बारे में बुक लिखी, उस बुक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि कल्पना वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट व्हाट शी वॉज डूइंग, शी जस्ट लव्ड इट। वो जब उस काम को करती थी वो उसमें खो जाती थी। और क्यों? क्योंकि उसी को पैशन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने पैशन को कैसे डिस्कवर करें। हाँ चलिए, ये तो आसान है कि मेरे को कोई काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उस काम को करूंगा, लेकिन वो काम ढूंढूं कैसे। देखिए, इस बात को भी समझिए कि किसी को भी उसका पैशन जो है वो घर बैठे नहीं मिला है। कल्पना चावला जी के केस में उनको चीजें बहुत इंट्रीग करती थी। जब भी वो एरोप्लेन्स को देखती थी या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखती थी तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो पीछे पीछे दौड़ करके जाया करती थी। शी वॉज इंटरेस्टेड इन इट। इट डिडंट मैटर कि वो समाज क्या सोचता है, वो पिताजी क्या कहते हैं। मैं रास्ते में जब इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने जाऊंगी तो बीच में पता नहीं कुछ लड़के आके छेड़ेंगे या नहीं छेड़ेंगे। इट डिडंट मैटर फॉर हर बिकॉज शी वॉज सो इंटरेस्टेड, शी वॉज जेन्युइनली इन लव। और वो लव कैसे मिला? देखिए, पैशन बाय बर्थ नहीं होता है कि मतलब हाँ आप एक दिन 5-6 साल के हुए और एकदम से आपके दिमाग में एक थॉट आया, अरे मेरे को तो टीचर बनना चाहिए, चलो टीचिंग या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज करते हैं, गैदर करते हैं। ऐसा नहीं होता। पैशन उसी को मिला है जिसने अपनी लाइफ में कुछ कुछ चीजें
ट्राई करने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप भी जब छोटे थे तो एरोप्लेन्स आपको, आप हवा से कोई हवाई जहाज उड़ते हुए देखते थे, ये भी आपको काफी फैसिनेट करता था, लेकिन आपने उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया, आप कभी उस प्लेन के पीछे आपने दौड़ने की कोशिश नहीं की, आपने खुद कभी घर में आने के बाद उसके बारे में सोचा नहीं, आपने बस उसे देखा 5-10 सेकंड के लिए, आप अम्यूज हो गए, उसके बाद आप उस चीज को भूल गए। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के जब आप नई नई 10 चीजें करेंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि उस 10 में से कोई एक आपका पैशन होगा, या वो 10 चीजें आपको किसी 11वीं चीज की ओर लेके जाएंगी जो आपका पैशन होगा। तो कल्पना चावला जी, इस कल्पना चावला भले ही आज उनके बारे में, मैं जब छोटा था उनके बारे में हमें इंग्लिश में चैप्टर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7th या 8th स्टैंडर्ड में, भले ही आज वो चैप्टर ना हो पर उनकी लेगेसी आज भी है, भले ही आज से 50 साल बाद उनकी लेगेसी ना रहे। देखिए, आप नाम भूल सकते हैं पर व्यक्ति के विचार मत भूलिए। जैसे दशानंद रावण कहा करते थे कि जिस मनुष्य की कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया, जिसकी मैं जीवित हूं किंतु मेरी कोई कीर्ति नहीं है, समाज में कोई मेरा नाम अच्छे कारणों से नहीं लेता, मेरी लेगेसी नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही मर गया हूं। जिसकी लेगेसी है, जिस मनुष्य की कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गई, ये शास्त्र भी कहते हैं हमारे। कल्पना चावला जी की लेगेसी, आप भले ही कल्पना शब्द को भूल जाए पर उस भावना को मैं चाहता हूं, वो भावना आप समझे। कोर वैल्यू क्या है कल्पना चावला जी की लाइफ की, कि शी वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट, और जब उन्होंने किसी चीज से बेइंतहा प्यार किया जब उन्हें, तो आप रिटर्न में फिर एक्सपेक्ट नहीं करते कि आए या ना आए, मेरा तो धर्म है कि मैं करूंगा। मीराबाई जी जब श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, हम अक्सर कहते हैं कि वो प्रेम ऐसा है, वो भक्ति का, वो प्रेम और भक्ति एक ही है। प्रेम करना मतलब एक खाई में गिरना, उसमें आपको कुछ करना थोड़ी है। अरे उदाहरण के तौर पे आप एक खाई में गिरे, बॉटमलेस पिट जिसमें कोई सतह नहीं है, है ना, बिना सतह की खाई में आप तो बस गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, आपको बस होना है, आपका होना ही गिरना है, मतलब आप बस हो वही पर्याप्त है। खाई में गिरने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बस समर्पण करना पड़ता है। ये समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक अहम रहेगा अंदर, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, मैं क्यों पढ़ते हो, क्यों ये वीडियोस देखते हो, क्यों मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मुझे मेरिट लिस्ट में आना है, मुझे अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है, मुझे अपने टीचर के सामने अच्छा इंप्रेशन करना है, मुझे इस बच्चे को बीट करना है, मुझे मैं, ये अहम सही नहीं है। कम से कम जीवन में एक वजह तो होनी चाहिए पढ़ाई करने की, या जो भी आपका प्राइमरी काम है उसको करने की, जिसमें आप दूसरों के बारे में भी कुछ सोच रहे हो। क्योंकि अगर आप बिजनेस भी करते हैं या आप जॉब भी करते हैं, तो उसमें जब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, या जब तक आपके पास जो बाकी लोगों का पर्पस है उससे हटके कोई पर्पस नहीं होगा उस काम को करने का, आप उस काम को अलग तरीके से नहीं कर पाओगे। अब देखो, 50 मजदूर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 50 के 50 सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो सबके एफर्ट्स ऑलमोस्ट एक ही लेवल के होंगे, किंतु उनमें से कोई एक भी ऐसा है जो अपने काम को एंजॉय कर रहा है, या फिर जो वाकई फैक्ट्री के बारे में सोचता है या बाकी लोगों के बारे में सोचता है। इन 50ों में से 50ों की इंस्पिरेशन, जब तक 50ों का मोटिवेशन सेम है, एक्शंस ऑलमोस्ट सेम लेवल के होंगे। जैसे ही किसी एक का भी मोटिवेशन अलग होगा, उसके एक्शंस अलग हो जाएंगे। जो आप सोचते हो, आपके विचार ही आपको निर्मित करते हैं, जो आप सोचोगे वही आप बन जाओगे। कल्पना चावला जी को वो काम इतना पसंद था, उन्होंने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, जीवन में डर वर होगा, किंतु उन्होंने उस पैशन को परस्यू किया, और वो पैशन भी उन्हें कैसे मिला, कोई एक्शन लेने से। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एयर शोज पे वो पार्टिसिपेट करने जाती थी, देखती थी, सवाल पूछती थी, लाइब्रेरीज में वो बुक ढूंढती थी, दोस्त भले ही वहां खेल रहे हैं, बुला रहे हैं, पर नहीं इसको फॉलो कर देती हूँ ना, ये एक कदम अगर वो उस तरफ चली जाती तो शायद आज वो कल्पना चावला नहीं होती। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके अंदर से कुछ आ रहा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना चाहिए, तो उसे कभी भी कल पे मत टालना, भले ही वो कितना इलॉजिकल क्यों ना। उनके टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था। कल्पना चावला जी को अगर उनको एरोप्लेन्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ता होगा। आपके केस में तो ऐसा नहीं, आप तो इंटरनेट पे 5 मिनट में कुछ सर्च कर सकते हो, 15-20 सेकंड में कर सकते हो आजकल, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट योर इंटरनेट इज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को थोड़ा भी अगर क्लियरली देख पाए कि अगर ऐसा कुछ भी है जो आप करना चाहते हैं, तो उसे कभी भी कल पे मत टालिए। उससे रिलेटेड, उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और उस काम को करने की कोशिश कीजिए, उसे थोड़ा सा परस्यू कीजिए। आप जैसे ही उसमें और थोड़ा सा उस तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे ना, अपने आप आपको मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं दिखे तो हो सकता है वो आपका पैशन नहीं है, पर जिसने लाइफ में कभी अलग अलग चीजें ट्राई नहीं की, घर बैठे किसी को उसका पैशन नहीं मिला है।
Download the app now.